हरियाणा में पुलिस तनाव में है और आत्महत्या की तरफ कदम बढ़ा रही है। कुछ दिन पहले शहर में इस बात को लेकर मेडिटेशन और योग भी शुरू करवाया गया, लेकिन रोहतक पुलिस तनाव मुक्त हो सके यह प्रयास सफल होता नहीं दिख रहा है। सदर थाने में तैनात महिला एसआई ने जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मामले के अनुसार मूल रूप से भिवानी की रहने वाली 37 वर्षीय महिला एसआई काफी लंबे समय से सदर थाने में तैनात थी, जो अपने पति के साथ पीडब्ल्यूडी क्वार्टर में रहती थी। देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ निगल लिया। कुछ ही देर में उसकी हालत बिगड़ने लगी। पता चलने के बाद परिवार के सदस्यों ने उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर शनिवार सुबह एसआई ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि वह काफी दिनों से बीमार चल रही थी, इसी वजह से वह काफी परेशान थी। सदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर शमशेर सिंह ने बताया कि आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका। प्राथमिक जांच में बीमारी से परेशान होने की बात सामने आई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उधर एएसआई की आत्महत्या का पता चलते ही पुलिस के उच्च अधिकारियों ने भी मामले की जानकारी ली। गौरतलब है कि करीब एक माह पहले पुलिस लाइन में तैनात हेड कांस्टेबल 38 वर्षीय सत्येंद्र मलिक ने सुखपुरा चौक के पास स्थित अपने कमरे में कनपट्टी पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। सत्येंद्र मलिक रोहतक पुलिस की स्वेट टीम में भी बतौर कमांडो तैनात रह चुके थे। मामले में पारिवारिक विवाद की बात सामने आई थी। एक माह के अंदर पुलिस कर्मी की आत्महत्या का यह दूसरा मामला है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.